वीडियो में हमने पार्ट आठ मुझसे दोस्ती करूंगी पार्ट के आधे भाग का अध्ययन किया था। पार्ट के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आप भी मेरे साथ दोहराइए। पिंकी ने हैरान होकर पूछा क्या तुम्हें यान चलाना आता है? ज़ीबा हंसकर बोला, हाँ यह मेरा यान है। मैं इसमें वैसे ही सैर करता हूँ जैसे तुम अपने दो पहियों वाले यान पर करती हो मिनी को हंसी आ गई। बोली, उसे हम यान नहीं साइकिल कहते हैं। आओ हमारे साथ खेलो। सीबा ने पूछा, तुम दोनों अभी क्या खेल रही थीं? मिनी ने बताया, हम अभी स्टापू खेल रही थीं। तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? ज़ीबा ने कहा, मुझे तो छुपने और ढूंढने का खेल पसंद है। पिंकी ने कहा, सीबा, उसे हम छुपन छुपाई कहते हैं। आँखों पर पट्टी बांधकर हम आँख मिचौली भी खेलते हैं। सीबा ने फिर पूछा, तुम और कौन कौन से खेल खेलती हो? पिंकी ने हैरान होकर पूछा, ज़ीबा, क्या तुम्हें यान चलाने आता है? ज़ीबा हंसकर बोला, हाँ यह मेरा यान है। मैं इसमें वैसे ही सैर करता हूँ जैसे तुम अपने दो पहिए वाले यान अर्थात साइकिल पर करती हो। मिनी को हंसी आ गई और वह बोली, हम उसे यान नहीं कहते, क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। आओ हमारे साथ खेलो, ज़ीबा ने पूछा, तुम दोनों अभी क्या खेल रही थी? मिनी ने बताया, हम अभी स्टापू खेल रही थी। तुम्हें और कौन कौन से खेल पसंद है? ज़ीबा ने कहा, मुझे छुपने और ढूंढने का खेल पसंद है। पिंकी ने फिर कहा, ज़ीबा, उसे हम छुपन छुपाई कहते हैं। आँखों पर पट्टी बांधकर हम उसे आँख मिचौली भी खेलते हैं। ज़ीबा ने फिर पूछा, तुम और कौन कौन से खेल खेलती हो? फिर पिंकी ने बताया, ज़ीबा, हम पकड़म पकड़ाई, खो खो, रस्सी कूद जैसे बहुत सारे खेल खेलते हैं।
जीवा हम पकड़म पकड़ाई, खो खो रस्सी कूद जैसे बहुत सारे खेल खेलते हैं। इतने में मिनी और पिंकी की माँ आइसक्रीम लेकर आ गई। उन्होंने अपनी बेटियों को एक विचित्र प्राणी के साथ खेलते देखा, वह बहुत डर गई। पिंकी ने उन्हें सीबा के बारे में बताया। माँ सीबा से मिलकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तीनों को आइसक्रीम दी। जीवा को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। जीवा हम पकड़म पकड़ाई, खो खो रस्सी कूद जैसे बहुत सारे खेल खेलते हैं। इतने में पिंकी और मिनी की माँ वहाँ पर आ गई आइसक्रीम लेकर। उन्होंने अपनी बेटियों को एक विचित्र ने अनोखा प्राणी मनुष्य के साथ खेलते हुए देखा, वह बहुत डर गई। पिंकी ने उन्हें जीवा के बारे में बताया। माँ जीवा से मिलकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तीनों को आइसक्रीम दी। जीवा को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। कुछ देर तीनों खेलते रहे। फिर जीवा ने पिंकी और मिनी को अंतरिक्ष के बारे में नई नई बातें बताई। मिनी ने पूछा, सीबा क्या तुम चांद पर बैठी बुढ़िया और सफ़ेद खरगोश से मिले हो? यह सुनकर जीवा हंसने लगा। उसने कहा, मिनी, चांद पर कोई बुढ़िया नहीं रहती। वहाँ ना तो हवा है ना पानी, इसलिए वहाँ ना पेड़ पौधे हैं और ना जीव जंतु। वहाँ केवल बड़ी बड़ी चट्टाने और गड्ढे हैं। सूरज की रोशनी के कारण ही चांद रात में चमकीला दिखाई देता है। मिनी और पिंकी ने बड़े ध्यान से सीबा की बातें सुनी। कुछ देर तीनों खेलते रहे। फिर जीवा ने पिंकी और मिनी को अंतरिक्ष के बारे में नई बातें बताई। मिनी ने पूछा, जीवा, क्या तुम चांद पर बैठी बुढ़िया और सफ़ेद खरगोश से मिले हो? यह सुनकर जीवा हंसने लगा और उसने कहा, मिनी, चांद पर कोई बुढ़िया नहीं रहती। वहाँ ना तो हवा है और ना ही पानी, इसलिए वहाँ ना पेड़ पौधे हैं और ना जीव जंतु। जीव जंतु का अर्थ है पशु पक्षी। वहाँ केवल बड़ी बड़ी चट्टाने और गड्ढे हैं। सूरज की रोशनी के कारण जो चांद है हमें रात को चमकीला दिखाई देता है।
मिनी और पिंकी ने बड़े ध्यान से ज़ीबा की बातें सुनी। रात बहुत हो गई थी ज़ीबा ने कहा। पिंकी और मिनी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे अपने घर जाना होगा। मिनी ने ज़ीबा को अपनी गेंद दी। पिंकी ने ज़ीबा को अपनी गुड़िया दी। उपहार पाकर ज़ीबा बहुत खुश हुआ। उसने वायदा किया कि अगली बार वह उन सबको अंतरिक्ष की सैर कराएगा। इसके बाद ज़ीबा यान में बैठकर अपनी दुनिया की ओर चल दिया। रात बहुत हो गई थी, ज़ीबा ने कहा। पिंकी और मिनी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे अपने घर जाना होगा। मिनी ने ज़ीबा को अपनी गेंद दी। पिंकी ने ज़ीबा को अपनी गुड़िया उपहार का अर्थ होता है भेंट। पाकर ज़ीबा बहुत खुश हुआ। उसने वायदा किया कि अगली बार वह सबको अंतरिक्ष की सैर कराएगा। इसके बाद ज़ीबा यान में बैठकर अपनी दुनिया की ओर चल दिया। तो बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िए और इसमें आए हुए कठिन शब्दों को याद करके लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।